बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी बिलाल अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, एंटोनिम ऑफ बिलेटल इज। फ्रॉम बिलेटल की हमारे पास जो मीनिंग है वो है कम करना, यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी में कमी लाना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन एग्जाजरेट। एग्जाजरेट की मीनिंग हमारे पास है बड़ा चढ़ाकर बयान करना। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है फ्रेज एंड सेकंड वन इज़ मैग्निटी। एमसीक्यू नंबर टू है हमारा एंटोनिम ऑफ स्टार्टल्ड इज़। स्टार्टल की हमारे पास जो मीनिंग है वो है चौंका देना। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन रिलैक्स्ड। सुन, रिलैक्स की हमारे पास जो मीनिंग है वो है पुरसकून। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है काम एंड सेकंड वन इज़ कंफर्ट। नंबर थ्री है हमारा एंटोनिम ऑफ इवेजिव इज़। इवेजिव की सुन हमारे पास जो मीनिंग है वो है टाल मटोल। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन फ्रैंक। फ्रैंक मीन साफ गो। मज़ीद जो एंटोनिम है उसमें फर्स्ट है क्लियर एंड सेकंड वन इज डेफिनेट। नंबर फोर है हमारा एंटोनिम ऑफ ग्रेजेरियस इज। सो ग्रेजेरियस के हमारे पास जो मीनिंग है वो है ग्रो में रहने वाला। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन एंटी सोशल। अब एंटी सोशल मीन अनफ्रेंडली, यानी दोस्ताना माहौल ना रखने वाला। मज़ीद जो एंटोनिम्स है इसमें फर्स्ट है अनफ्रेंडली एंड सेकंड वन इज़ अनसोशेबल। नंबर फाइव है हमारा एंटोनिम ऑफ एरोगेंट इज। स्टूडेंट्स, एरोगेंट की हमारे पास जो मीनिंग है वो है गुस्ताही। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन हम्बल। हम्बल की हमारे पास जो स्टूडेंट्स मीनिंग है वो है हाक सार। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है अनश्योर एंड सेकंड वन इज़ मॉडेस्ट। नंबर सिक्स है हमारा एंटोनिम ऑफ वैनिटी इज़। वैनिटी की हमारे पास जो मीनिंग है वो है हल्कापन, ठीक है, हल्कापन। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी, मीन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन इनकिसारी। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है ट्रुथ एंड सेकंड वन इज़ मॉडेस्टी। नंबर सेवन है हमारा एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रीट इज। इनडिस्क्रीट के हमारे पास जो मीनिंग है वो है गैर मुहतात। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन प्रूडेंट। प्रूडेंट के हमारे पास जो मीनिंग है वो है होशियार। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिस्क्रीट एंड सेकंड वन इज डिकोरस। नंबर एट है हमारा एंटोनिम ऑफ एबल इज। अब एबल की मीनिंग क्या है वो है काबिल। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी, मीन अनएबल। अनएबल मीन ना काबिल। मज़ीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है इनकैपेबल एंड सेकंड वन इज इनकॉम्पिटेंट। एमसीक्यू नंबर नाइन है हमारा एंटोनिम ऑफ ज़ीनिथ इज। ज़ीनिथ की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है नुक्ते नुक्ते
उरूज यानी वो बंदा जो उरूज पर हो। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन सी मीन नेडर। नेडर मीन बिलो पॉइंट या हम कह सकते हैं जवाल। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है बॉटम एंड द सेकेंड वन इज़ लो पोजिशन। नंबर 10 है हमारा एंटोनिम ऑफ प्रोवोकेशन इज़ प्रोवोकेशन मीन इश्तगाल। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए मीन पेसिफिकेशन। पेसिफिकेशन मीन ठंडा करना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रेज। नंबर 11 है हमारा एंटोनिम ऑफ लोक्वेशियस इज़ लोक्वेशियस किस में हमारे पास जो मीनिंग है वो है बोलने वाला यानी हम कह सकते हैं टॉकेटिव। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी मीन रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन खामोश। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है क्वाइट एंड द सेकंड वन इज साइलेंट। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा एंटोनिम ऑफ डेंसिटी इज डेंसिटी मीन्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है कसाफत। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन रेयरिटी। रेयरिटी मीन कम पाया जाने वाला। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है थिननेस एंड द सेकंड वन इज स्पार्सिटी। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस इज इंडस्ट्रीज के हमारे पास जो मीनिंग है वो है मेहनती। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए मीन एंडोलेंट। एंडोलेंट मीन मुर्दा। मुर्दा तो मेहनत नहीं ना कर सकता तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज का अपोजिट है। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है एनएक्टिव एंड द सेकंड वन इज आइडल। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा एंटोनिम ऑफ कॉन्सीड इज कॉन्सीड किस में हमारे पास जो मीनिंग है वो है तस्लीम करना। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए मीन रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन मना करना। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है डिफेंड एंड द सेकंड वन इज रिजेक्ट। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट इज स्ट्रिंजेंट किस में हमारे पास जो मीनिंग है वो है कड़ी। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी मीन लीनिएंट। लीनिएंट मीन रहमदिल। मजीद जो एंटोनिम्स है उसमें फर्स्ट है काम एंड सेकंड वन इज नाइस।